Hey, what's up guys? Lavish from Future VFX here. आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि Sony A7III की प्राइस कितनी है ऑफलाइन मार्केट में, ऑनलाइन मार्केट में, दोनों की कंपेयर करूंगा और गाइस आपको बताऊंगा कि ऑनलाइन लेने से फायदा है या फिर ऑफलाइन लेने से फायदा। मैंने रिसेंटली अभी मेरे को ऑलमोस्ट 10 से 15 दिन ही हुए Sony A7III लिए को और मैंने ऑफलाइन मार्केट से लिए, तो गाइस आपको बताऊंगा कि दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं, कहां से आपको लेना चाहिए और कितनी प्राइस एग्जैक्टली में आपको पे करना चाहिए। तो गाइस वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, आप प्लीज मेरी पूरी वीडियो देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। गाइस जल्दी से शुरू करते हैं। स्टार्टिंग में मैं ये बताऊंगा कि मैंने Sony A7III क्यों ऑप्ट किया। गाइस Sony A7III का ऑटोफोकस सिस्टम सबसे अच्छा है, सबसे लाजवाब है। मेरे को इसके राइवल्स में EOS R था तो मैंने वो नहीं चूज किया, मैंने Sony A7III चूज किया। वो खैर अलग टॉपिक की वीडियो है, आपको यहाँ पे प्राइसिंग की बताता हूँ। तो गाइस ऑनलाइन में जाए, सबसे पहले अगर आप Sony की साइट पे जाए तो आपको Sony की साइट पे Sony A7M3, और हाँ काफी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि A7M3 और A7III ये दोनों अलग है। गाइस दोनों में कोई फर्क नहीं है, A7M3 भी सेम है, A7III भी सेम है। A7M3 का क्या मतलब है, Sony A7 Mark III या फिर Sony A7III, अब दोनों को एक ही नाम है, दोनों में कोई फर्क नहीं है, ठीक है। और ऑनलाइन साइट्स में इसको Sony A7M3 कहते हैं, तो गाइस प्लीज कंफ्यूज मत होइएगा यहाँ पे, ठीक है। सबसे पहले Sony की ऑफिशियल साइट जो इंडिया में है वहां पे देखते हैं इसकी सिर्फ बॉडी के साथ कितनी प्राइस है। तो गाइस बॉडी की इसकी प्राइस 1,58,000 रुपीज की प्राइस है और ये जनरली किट में आता है, किट लेंस के साथ, और इसका किट लेंस है 28-70 mm लेंस जो जिसमें ऑप्टिकल स्टेबलाइजेशन भी अनेबल्ड है, और वो गाइस 30,000 का अगर आप अकेला लेंस लेते हो तो वो 30,000 का आपको पड़ता है। अगर आप सोनी की सिर्फ बॉडी लेते हो सोनी की साइड से तो वो पड़ेगी 1,58,000 की, और अगर आप कॉम्बो पैक लेते हो लेंस के साथ तो आपको पड़ेगा 71,000 का। तो गाइस आपको ये लेंस यहाँ पे 11,000-12,000 का मिल जाएगा अगर आप कॉम्बो पैक में लोगे। सबसे पहले सोनी की साइट में बहुत महंगा है, कोई फायदा नहीं यहाँ पे देखने का, मेरे को आपको प्राइस बताना जरूरी था बट यहाँ पर नहीं जाना। दूसरा आ गया हमारा ऑनलाइन अमेजोन पे चेक करते हैं गाइस। अमेजोन और फ्लिपकार्ट की दोनों की ऑलमोस्ट सेम सही है तो मैं अमेजोन पे ही जा रहा हूँ, ठीक है। अमेजोन पे अगर आप सोनी A7III लेते हो तो आपको विद किट लेंस 28-70 विद ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन एनेबल्ड वो आपको पूरा किट पड़ जाएगा 1,51,000 रुपीज का, ठीक है। 1,51,000 रुपीज में आपको 28-70 लेंस मिल जाएगा, और अगर आप अकेली बॉडी लेते हो तो आपको 1,34,000 रुपीज पे करने हैं, तो मतलब 34-44 अराउंड 17-18-16-17,000 का आपको लेंस पड़ जाएगा अगर आप कॉम्बो पैक में लेते हो। आपको बता दूं, आपको पहले भी बताया कि वो 30,000 का था तो कॉम्बो पैक में आपको ऑलरेडी उसका हाफ पे करना पड़ता है, तो अच्छी बात है। ओके अब आपको मैं अपना सिनेरियो बताऊंगा। तो गाइस मैंने ये रिसेंटली लिया है तकरीबन 10 दिन पहले, तो मेरे को काफ़ी रिसर्च करना पड़ा कि मैं कहाँ से लूँ, मैं ऑनलाइन ऑप्ट करूँ या फिर ऑफलाइन ऑप्ट करूँ। तो गाइस मैंने अपने पापा को कहा, उनके कॉन्टैक्ट्स थे यहाँ पे कुछ फोटोग्राफर्स के साथ, तो गाइस वहाँ पे हम गए, उनसे बातचीत की, मैंने एक आधा हफ्ता उनसे बात की कि कहाँ से लेना चाहिए और कौन से लेंसेज ऑप्ट करूँ। तो आपको बता दो गाइस मैंने किट लेंस नहीं लिया था, मेरे पास ऑलरेडी नाइकॉन का D5300 है जिसके साथ मेरे पास 3 लेंसेज ऑलरेडी पड़े थे। तो गाइस मेरे को एक वीडियो के लिए लेंस चाहिए था अच्छा, जहाँ पे पीछे बुके भी है, तो वो गाइस मैंने ऑप्ट किया 28mm f/2। तो गाइस अभी ये जो शूट कर रहा हूँ मैं अपना सोनी A7III से ही शूट कर रहा हूँ और उसमें मैंने 28mm f/2 लेंस लगाया हुआ है। तो गाइस आप देख सकते हो पीछे बुके भी बढ़िया है, और ये देखो गाइस अगर आपको दिख रहा है, नॉट श्योर कि अगर आप देख सकते हो, मैं इसके वीडियोस डाल दूंगा बाद में, कोई चेक करनी है। तो यहाँ पे मैंने सोनी A7III ऑफलाइन मार्केट से ही लिया है। तो गाइस आपको बता दूं मेरे को इसकी प्राइस कितनी पड़ी, बठिंडा में सोनी का शोरूम है तो वहां पे मैं गया, तो गाइस उन्होंने मेरे को बताया कि आपको ये कैमरा अमेजोन पे आपको 1,34,000 की अकेली बॉडी मिलती है, तो मेरे को सिर्फ बॉडी ही चाहिए थी, तो मैंने उनसे पूछा कि मेरे को सिर्फ बॉडी चाहिए, लेंस अलग चाहिए, किट लेंस वाला लेंस नहीं चाहिए। तो उन्होंने मेरे को कहा कि ऑनलाइन अगर आप बठिंडा से लेते हो तो आपको 1,30,000 का मिल जाएगी इसकी बॉडी, अमेजोन पे 1,34,000 की मिलती है। तो गाइज यहाँ पे पंजाब में एक लुधियाना नाम का भी शहर है, लुधियाना में गाइज जनरली जो इलेक्ट्रिकल आइटम्स है से काफी सस्ती मिलती है, तो वहां पे मेरे को प्राइस 1,25,000 का मिल रहा था। वहां पे एक लुधियाना में स्टोर है, वहां पे हमने कॉल किया तो उन्होंने कहा कि अगर आप कल के कल ही आते हो लेने तो आपको 1,25,000 का आपको ये बॉडी मिल जाएगी। तो गाइज
आपको जनरली बस यहाँ पे बता रहा हूँ कि आपको ये अगर आपने ये मन बना लिया कि आपको सोनी A7 III लेना, तो आप 1,30,000 से ज्यादा पैसे नहीं पे करोगे। इस टाइम 2020 में आपको ये कैमरा बिलो 1,30,000 ओनली बॉडी मिल जाएगा, ये आप ध्यान में रखिएगा। मेरे को आपको बताया कि 1,30,000 का उन्होंने बठिंडा से कहा था, तो हमने थोड़ी नेगोशिएशन की और हमको 1,28,000 का पड़ गया सिर्फ इसकी बॉडी। और गाइस अगर मैंने लेंस लिया था 28mm f/2, वो अलग 30,000 का और था, और वहाँ पे थोड़ी सी नेगोशिएशन करके हमको 28,000 का हमको लेंस पड़ गया। तो आप कैलकुलेट कर सकते हो 1,28,000 और अलग 28,000, ये मेरे को पड़ा। अगर लेंस मैंने इतने रुपए में ये सारा सामान खरीदा। अगर आपको किट लेंस लेना, और मैं आपको रिकमेंड भी करता हूँ, अगर आपको अच्छा लेंस चाहिए जिसमें आपको, अगर आप चाहते हो कि आपको बुके ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको एक इमेज स्टेबलाइजेशन वाला अच्छा लेंस चाहिए, तो गाइज आप 28-70mm यूज़ कर सकते हो फॉर फोटोग्राफी पर्पसेस। वो बहुत अच्छा लेंस है, वो आपको 30,000 rupees का पड़ेगा। लेकिन अगर आप कॉम्बो पैक में ऑफलाइन मार्केट से लोगे तो आपको 1,40,000 का लेंस पड़ेगा गाइज। और आपको 1,40,000 में दोनों चीज़ें, A7 III एंड 28-70mm लेंस। और वो अगर आप Amazon पे चेक करते हो तो आप लोग को 1,51,000 rupees का पड़ेगा, तो 11,000 का फर्क पड़ रहा है गाइस, तो फायदा ही है। और ऑनलाइन यहाँ मेरी तरफ से अगर आपको मैं राय दूँ तो आपको यही बताऊँगा कि ऑनलाइन मत जाइएगा, ऑनलाइन कोई फायदा नहीं, ऑनलाइन आपको ज़्यादा पे करना पड़ेगा। इसका सोनी A7 III का रेट रिलेटिवली काफ़ी गिर गया है नीचे, क्योंकि गाइस अभी सोनी A7 IV भी आने वाला है। लेकिन बात ये, सोनी A7 IV जब ये रिलीज करेंगे कुछ महीनों में, वो गाइस उसकी प्राइस काफ़ी ऊपर होगी, कम से कम 60-70 तकरीबन, या फिर 50 तक भी पहुंच सकती है, आई डोंट नो अबाउट दैट। बट मैं अभी भी रिकमेंड करता हूं कि सोनी A7 III ही लो, उसमें बेस्ट आपको ऑटो फोकस सिस्टम मिलेगा, उसके लेंसेज भी काफ़ी अच्छे। तो अगर आप सोनी A7 III ऑप्ट करते हो तो आपको बताया कि 1,40,000 का आपको मिल जाएगा, 1,28,000 की आपको बॉडी जो मेरे को बड़ी है, आपको 1,25,000 तक भी मिल जाएगा अगर आप कॉन्टैक्ट्स बनाओ जो भी आपका सिस्टम होता है। 1,25,000 या 1,28,000 की आपको बॉडी मिल जाएगी, और आपको 1,40,000 तक का आपको 28-70mm आपको लेंस मिल जाएगा। तो आपको बॉडी भी बता दिया मैंने, अगर आप बॉडी के साथ लेंस लेना चाहते हो वो लेंस भी बता दिया। लेंस मैंने गाइस 28-70mm f/2 लेंस लिया है, और वो मेरे को 28,000 का पड़ गया। उसमें मेरे को कोई कॉम्बो पैक डील नहीं थी, तो मेरे को 30-28 पूरा पे करना पड़ा। मेरे पास नेसेसिटी थी गाइस, मैं 28-70mm भी ले सकता था, बट मेरे को पता था ऑलरेडी मेरे पास नाइकॉन का D5300 था, मैंने अपग्रेड करना था अच्छे मॉडल में, तो गाइस मेरे को बड़े वाले दूसरे जूम लेंसेज नहीं चाहिए थे, क्योंकि मैं नाइकॉन D5300 के पास मेरे पास ऑलरेडी 18-55mm का लेंस पड़ा था। तो मेरे को एक लेंस चाहिए था जो कि प्राइम हो, जो थोड़ा सा वाइड भी हो, और पीछे बोके भी बढ़िया दो। तो 28mm f/2 वॉज द बेस्ट फॉर मी। एक 24mm f/1.4 भी था, लेकिन वो तो बहुत ही ज़्यादा महंगा था। तो 28mm f/2 मेरे लिए अभी के लिए सबसे बेस्ट यही लेंस था गाइस। अगला फायदा आपको बताऊं, अगर आप ऑफलाइन मार्केट से लोगे तो आपको चार्जर भी मिलेगा इसका, जो एक्सटर्नल बैटरी का एक्सटर्नल चार्जर होता है वो आपको ऑनलाइन में नहीं मिलेगा। ये एक्सटर्नल चार्जर आपको बिल्कुल फ्री मिलेगा, और जिसके लिए आपको पे काफी करना पड़ता है, काफी महंगा चार्जर अगर आप ऑनलाइन ऑर्डर करोगे, तो आपको ये जरूर लेना चाहिए, ठीक है। एंड आई मीन फ्री ही मिलता है अगर आप ऑफलाइन मार्केट से लोगे। और एक चीज क्या, ये देखिए इसका बॉक्स हो गया चार्जर का, एंड आई होप दिख रहा हूँ, ठीक है। एंड गाइस ये A7 III का पूरा फ्री पैक, तो गाइस ये सब आपको चीज़ें मिलती हैं एक अफोर्डेबल रेट में। तो आप ऑनलाइन तो बिल्कुल ही मत जाओ, ऑनलाइन तो आपको लेने का कोई फ़ायदा ही नहीं है, अमेजोन पे फालतू में 10-12,000 ये महंगा दे रहे हैं। और अगर आप ऑफलाइन से लोगे तो आपको ट्रस्टेड सोर्स भी होगा आपका गाइस, कोई प्रॉब्लम होगी तो आप उसके पास जा भी सकोगे, और आपको रेट भी कम मिल रहा है। तो आपको जनरली बता रहा हूँ कि आपको ये 1,28,000-30,000-25,000 के अराउंड ही मिल जाएगा, आपको कोई फायदा नहीं आपको 1,35,000-40,000 लगाने का, जब आपको 10,000 सस्ता मिल रहा है। और जो आपको रेट बता रहा हूँ, आई नो मैं पंजाब का रेट बता रहा हूँ, बट ये पूरे इंडिया में इतना रेट होता है, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा 2-3,000 का फर्क होगा, ठीक है, कोई इतना ज़्यादा फर्क नहीं होता। तो ये इंडिया का रेट ही है जो काफ़ी गिर गया है। तो गाइस आई रिकमेंड यू कि आप ऑफलाइन मार्केट से ही सोनी A7 III परचेज करिए अगर आपका मन है तो। गाइस वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, कॉमेंट जरूर करना, लाइक जरूर करना। आपको अगली वीडियो में मिलता हूँ गाइस, सायनारा।